हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एसएससी चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशंस डिजाइंस। एज यू नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट टू रिट्राइव एनी कंट्री, जस्ट टू डिजाइन एनी कंट्री, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑन द गवर्नमेंट वर्क्स, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑन व्हिच द पीपल्स फ्यूचर्स, पीपल प्रेजेंट एंड द पीपल्स पास्ट, व्हाट हैपेंड इन देयर कंट्री and that particular framework become in existence. So it is very important to know about the constitutional designs. Clear? And why we need constitutions? We have learned in the last chapter that constitution is a specific law or a regulations on which the government works, and whether the government is answerable or accountable to their public or not, but it is, there must be a specific framework on which a government work. So this chapter is just depend on that. This chapter define us that constitutional design, it means how constitutional framework should be, whether it is a democratic, whether it is a monarchy, or whether it is anything else. So we have to just concentrate on the framework, the working process, how that particular constitutions become in the existence, what was the steps of that. In term of this, we was talking about South Africa. Clear? So there was an apartheid policy which was imposed from the European on the South African peoples, and South African peoples was just a blow state, and just they are disencouraged from their government. Clear? So what was the condition of the South African people after when the European country just come on the lead on the South Africa? The apartheid system was the particularly oppressive for the blacks. Matlab, जो रंग भेद की नीति थी वह काले लोगों, जो जो स्किन, जिनकी स्किन का कलर ब्लैक था, उन लोगों के लिए बहुत ही दमनकारी थी। मतलब उन लोगों को बहुत दबाने वाली थी, उन लोगों के सारे राइट्स छीन लिए गए थे, उन लोगों के जो स्पेसिफिक मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए होती है वो भी उनको गवर्नमेंट के थ्रू नहीं दिलवाई जाती थी। और आगे भी ऐसी चीजें हैं जैसे they were forbidden from living in the white area. उनको जहां पर गोरे लोग रहते थे उस स्थान पर आने के लिए भी निषिद्ध कर दिया था, उनको रोक, उनके लिए प्रतिबंध लगा दिया कि आप इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिटी के इस एरिया में आप नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर गोरे लोग बसते हैं, प्योर यूरोपियन लोग बसते हैं। ठीक है? सो दे कुड वर्क इन द वाइट एरिया। हालांकि अब कई तरह के कार्य होते हैं, जब इनकी नीति ही दमनकारी थी तो उनसे दमन पूर्वक काम भी लेना था, तो केवल वे लोग ही उस एरिया के अंदर एंटर हो सकते थे जो दे वर फॉरबिडन फ्रॉम द लिविंग इन द वाइट एरिया। दे कुड वर्क इन द वाइट एरिया ओनली इफ दे हैड अ परमिट, अगर उनको परमिशन दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू कि हाँ आप इस स्पेसिफिक वर्क के लिए इस एरिया के अंदर अलाउड हैं, तो ही वो वहां पर काम करने जा सकते थे, अदरवाइज दे वर जस्ट प्रोहिबिटेड। क्लियर? सो ट्रेन, बस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स एंड इवन the public toilets were always separate for the white and the blacks. सब चीजें जिनका मैंने अभी नाम लिया, सभी चीजें जो है वो सेपरेट थी वाइट लोगों के लिए और ब्लैक लोगों के लिए। क्लियर? मतलब जिंदगी या जीवन जीने के जो भी फंडामेंटल चीजें होती है, जो आधारभूत चीजें होती है, जिसके में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर की कैटरपिलर जो हमें एसेंशियल होती है हमारे लिए नीड्स, उनके लिए भी उनको सेपरेट कर दिया गया था। किनको? ब्लैकिश लोगों को। ओके,
दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन, और इस तरह से उसको एक तरह से सेग्रीगेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया उनको. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज, मतलब पूजा के स्थान पर भी भेदभाव हुआ. क्या हुआ? दे कुडंट विजिट द चर्च चर्चेज वेयर द वाइट वर्शिप्ड, जहां पर गोरे लोग जिस भगवान की पूजा करते थे उसी भगवान की पूजा के लिए ब्लैकिश लोगों के लिए अलग से चर्च थे. वे उनके चर्च के अंदर एंटर नहीं हो सकते थे. भगवान एक है पर उनके लिए क्या है? भेदभाव है. क्लियर? सो वेयर द विजिटेड वर्शिप्ड ब्लैक कुड नॉट फ्रॉम द एसोसिएशन और द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चेरिबल ट्रीटमेंट्स. ब्लैकिश कुड नॉट फ्रॉम द एसोसिएशन और ब्लैकिश लोगों को पहले तो किसी भी तरह के संगठन बनाने का अधिकार नहीं था, और अगर वो कोई संगठन बनाते या फिर किसी भी तरह की विद्रोही आवाज उठाते तो उनको दमन कर दिया जाता या फिर उनको क्या कर दिया जाता, दे ट्राइबल ट्रीटेड, उनको उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया जाता. सिंस 1950 द ब्लैक कलर एंड द इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्टहाइड सिस्टम. अब 1950 से जो है वो लगभग ब्लैक लोग और भी जो रंगीन चमड़ी वाले लोग और इंडिया से आए हुए जो लोग हैं जो कि वाइट नहीं थे, फॉर वे लड़े अगेंस्ट द अपार्टहाइड सिस्टम, रंग भेद की नीति के विरुद्ध लड़े. दे लॉन्च द प्रोटेस्ट मार्च, उन्होंने कई तरह के मार्च निकाले, कई तरह की उन्होंने जो है वो स्ट्राइक्स भी की. ठीक है, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, जस्ट रिमेंबर ANC द फुल फॉर्म ऑफ द ANC, ANC वाज द अम्ब्रेला, मतलब उनके छत्र छाया में एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं आंदोलन चला गया ANC के अंडर में, दैट लीड, जिसने लीड किया द स्ट्रगल को अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द सेग्रीगेशन. उनके साथ में जो भेदभाव किया जा रहा था वो उन भेदभाव के लिए उन्होंने एक तरह का आंदोलन शुरू किया, जो है वो ANC के छत्र छाया के, मतलब कि वो एक प्रमुख संगठन था, उस संगठन की छत्र छाया में कई सारे लोग और अलग अलग तरह के लोग लोगों ने मिलकर, जैसे भारतीय मूल के लोग हैं, अफ्रीकन के लोग हैं और रंगीन लोग, जैसे अभी जिसे रंगीन कहा जाता है, और ब्लैकिश लोग, सबने मिलकर जो है वो एक स्पेसिफिक ANC पार्टी के अंडर में मिलकर उसके अगेंस्ट क्या किया, प्रोटेस्ट किया, मार्च निकाले और उनके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. अब ये प्रोटेस्ट 1950 से हो रहा था. वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द सेग्रीगेशन एंड दिस इंक्लूड मेनी वर्कर्स. उनके अंदर कई सारे बहुत सारे जो है वो यूनियंस थी, वर्कर्स की यूनियन थी, मजदूर के संगठन मतलब, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, और कई सामंतवादी पार्टीज भी उसके अंदर शामिल थी इस एक छत्र छाया में. किसकी? ANC की छत्र छाया में सबने मिलकर एक दमनकारी जो नीति थी वाइट्स की, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC, और कई सारे विनम्रशील लोग, व्हाइटिश भी थे, गोरे लोग भी थे, जो कि उनकी ब्लैकिश लोगों के साथ में होने वाली दमनपूर्ण जो नीतियां थी उनके विरुद्ध थे, तो उन्होंने भी उसको ज्वाइन करा ANC को. और मेनी सेंसेटिव व्हाइट्स आल्सो ज्वाइन ANC टू अपोज्ड उसके विरुद्ध में अपार्थेंड, मतलब कि रंग भेद की नीति के, एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल में उन्होंने भी लीडिंग रोल, मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थेंड एज अनजस्ट एंड राइजेस, और कई सारी कंट्रीज भी थी जिन्होंने भी इसका एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया और इसका भी दबाव उनके ऊपर पड़ा. बट द वाइट द रेगिस्ट गवर्नमेंट्स कंटिन्यूज टू रूल बाय द डिटेनिंग, पर जो गोरी सरकार थी, मतलब कि जो यूरोपियन लोग थे, उन्होंने इस रंग भेद नीति के विरुद्ध जो जिन लोगों ने आवाजें उठाई
उन लोगों के साथ उन लोगों को जो है वो डिटेन किया, उनको टॉर्चर किया और कई सारे लोगों को एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ द ब्लैक एंड द कलर्ड पीपल, और कई सारे जो है वो ब्लैकिश लोगों को और नॉन ब्लैकिश लोग जैसे रंगीन चमड़ी वाले लोग और भी जो लोग उस प्रोटेस्ट के अंदर साथ में शामिल थे उन लोगों को निर्दयता पूर्वक मार दिया गया, सिर्फ किसके लिए, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए। क्लियर? सो टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान की तरफ के बारे में जो है वो बाद में बढ़ते हैं। सो